आज की वीडियो में मैं आपको तीन बेसिक कॉइन्स ऑल्ट कॉइन्स रिकमेंड करूंगा जो कि दिसंबर तक बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। तो ये वाली वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको दूंगा उन तीन कॉइन्स के हवाले से, और उनका यूज़ केस भी बताऊंगा और हर चीज़ मैं आपको मेंशन करूंगा वीडियो में। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी तो आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें फॉर मोर अपडेट एंड आइडियाज़। सो सबसे पहली मेरी चॉइस कॉइन के हवाले से है बीपे। सो अगर हम बीपे की एनालिसिस देखें वन डे के चार्ट में, तो आप देखें कि इट वेंट अप टू 0.03, आज की बात है 7। इतना ऊपर ही उठने के बाद अभी ये अपनी एक बॉटम बनाकर एक साइड पे पड़ा हुआ है, जो कि एक अच्छी साइन है कि ये विद मार्केट मूव ऑन करता है। और जैसे ही हमें इस बात की कंफर्मेशन मिलने वाली है कि फ्रॉम ऑनवर्ड्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज़ आवर बुल रन कंप्लीटली तौर पे, तो ये कॉइन हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर आप इसका प्रीवियस चार्ट उठाकर देखें तो आप देखें कि इस कॉइन ने कितना अच्छा बाउंस बैक दिया है और कितना अच्छा इसके यूज़र्स को पे बैक मिला है, जो कि इसके शुरू के इनिशियल स्टेज पे यूज़र्स थे। अगर आप देखें तो यहाँ से अगर कहानी हम शुरू करते हैं इसकी 3 मंथ बैक की, क्योंकि लॉन्च आई थिंक जुलाई में हुआ था, और ये अगर हम यहाँ से इसकी कहानी शुरू करते हैं तो आप देखें इस कॉइन की वर्थ थी 0.0008। ये कॉइन यहाँ से मूव ऑन होते 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 कंटिन्यूसली तौर पर अगर आप इस बात को देखें तो ये ग्रो होता गया एंड ग्रो होते होते तो इसने हाईएस्ट अपना कितना मार दिया, 0.042 इसने कहते। तो मतलब जिन लोगों ने यहाँ से अगर कहानी अपनी स्टार्ट की थी इसकी, तो जस्ट इमेजिन कि ये कितना ग्रो अप हो गया यहाँ से। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। अब हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं वेबसाइट की भी। अगर मैं इसकी वेबसाइट पर जाता हूँ तो आप इसकी वेबसाइट देखें। इसकी वेबसाइट बेसिकली एक पेमेंट गेटवे है ये लोगों के लिए, आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यूज़ केसेस का पेमेंट 1-to-1 पेमेंट सिस्टम है, आप इसको एज अ पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। टेक रेट पे वेरीफाइड हो चुका है, कॉइन मार्केट कैप पे आ चुका है, कॉइन कोको पे आया हुआ है, PSC स्कैन पे ऑलरेडी है, WooCommerce इनका प्लगइन है जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है लास्ट फ्यू डेज बैक, जिसकी वजह से ये और पंप हुआ है। और अभी इनकी अल्टीमेटली तौर पे एप्लीकेशंस आनी है दो, देखें एप्पल स्टोर पे भी आनी है और गूगल प्ले स्टोर पे, और इनका लॉन्च पैड आना है, इनकी स्वैप आनी है, इनकी स्टेकिंग आनी है। ये सारी चीज़ें इनकी अभी ऑनवर्ड्स आनी है इस टोकन के हवाले से। उसके अलावा ये रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे ये टोकन इज़ बीइंग यूज्ड, जो कि मलेशिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रिया, ये सारी जगह पर हैं। और इनकी जो टीम है वो भी हाईलाइटेड है, अगर आप देख सकते हैं इनके रोड मैप में 1, 2, 3, 4 चीज़ें हमारी ऑलरेडी सक्सेसफुली तौर पे हो चुकी है। अब इनकी नेक्स्ट अप है एक्सचेंज लिस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सचेंज लिस्टिंग के बगैर अगर ये पॉइंट इतना पंप हो चुका है तो आप बस इमेजिन करें कि एक्सचेंज लिस्टिंग के बाद इट विल ईजिली गो टू $1+ ईजिली। उसके अलावा इन्होंने अपनी टीम तक हाईलाइट कर दी है, यहाँ पर मेंशन करी है जिनके ट्विटर्स, लिंक्डइन अकाउंट्स हमारे पास मौजूद है। तो बेसिकली इट्स अ बेस्ट कॉइन फॉर नाउ इन्वेस्टमेंट आगे बुल रन के लिए, और आप अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग को यहाँ पे लगा सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो कि इतनी क्लेम की जा रही है, ये कॉइन मार्केट कैप ने भी वेरीफाइड कर दी है, वरना आपको ऐसे कॉइन्स पे ये ब्लू टिक नज़र नहीं आता। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि कॉइन मार्केट कैप ने भी ये बात को कम्प्लीटली तौर पे वेरीफाइड कर दी है, तो आप अभी भी इस पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। खैर, तो अब हम दूसरे अपने कॉइन की तरफ जाएंगे जो कि है योशी। योशी बेसिकली नोन एज अ शिट कॉइन, बट इन्होंने एक गेमिंग प्लेटफॉर्म उसको बनाया और NFT आर्ट में भी स्टॉक लेकर आ गए। योशी का कॉइन का जो मेन मकसद है वो NFT आर्ट्स है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ।
इधर हम इसका थोड़ा चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम इसको 3 मंथ बैक देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस कॉइन की भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये आप देखें कितने काउंटलेस जीरो के बाद ये कॉइन ग्रो हो के यहाँ तक जा चुका है, और इसने हाईएस्ट 3645 मारा है अभी तक, और दिसंबर तक आई स्टिल बिलीव कि ये 2-0 स्किप करके ऑनवर्ड्स आगे आ जाएगा। तो अभी अगर आप इसको बाय करते भी हैं तो यू विल स्टिल इन द प्रॉफिट। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप $5 तक की परचेज करके इस कॉइन को रख सकते हैं फॉर फ्यूचर टिल दिसंबर, और आपको ये पे बैक देगा। अगर हम इसकी वेबसाइट की एनालिसिस करें तो ये योशी की वेबसाइट्स है, इसमें आप देख लें कि इन्होंने गेम पैड कितनी वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इनकी। सबसे पहली बात तो ये कितनी वेल आप देख लें, NFTs इनके प्री सेलिंग इनकी ऑन है, आप यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं, इनके गेम पैड गेमिंग के ये सब गेम्स आप खरीद सकते हैं, मिस्ट्री बॉक्स पे पे आउट कर सकते हैं, NFT मार्केट है इनकी, ये आप इसमें बाय और सेल कर सकते हैं, योशी को NFT खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉइन सो फार अगर आप इसको ओवरलुक करें तो। और इसके फार्म्स भी हैं जहाँ पे आप स्टेकिंग भी लगा सकते हैं इन कॉइन्स की, बहुत ही वेल डिज़ाइंड है और कम्युनिटी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो फ्यूचर के लिए अमेजिंग कॉइन है ये, बेहतरीन कॉइन है। और अबाउट योशी, जिस तरह मैंने बताया था, स्टार्टेड विद अ मीम टोकन बट दे हैव चेंज इट टू NFT को टोकन एज वेल एज अ गेमिंग टोकन। सो गाइज, ये हमारे पास योशी की बात हो गई। अब जो लास्ट कॉइन है जो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा वो है हमारे पास शिप केक। सो गाइस, शिप केक नाम से तो आपको पता चल रहा होगा ये शिबा का है, लेकिन बेसिकली शिबा से रिलेटेड है, बट ये शिप केक है, शिप प्लस केक। सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये कि ये कॉइन को आप होल्ड करते हैं तो ये आपको इन रिवॉर्ड्स बाय और सेल पे 15% ऑफ द बाइंग परचेजिंग पे आपको कुछ केक देता है। सही है, अगर हम इसका 1 मंथ वाला ग्राफ उठाएं तो आप देखें कि इस कॉइन ने 3404 से हाई पीक मारते हुए, जबकि ये बहुत ज़बरदस्त इसने ग्रोथ हासिल की थी यहाँ तक, और उसके बाद ये गिरता गया गिरता गया। इसकी टीम स्टिल ट्राइंग टू गेट इट बेटर, लेकिन ये हो नहीं रहा। लेकिन आई एम श्योर कि इस पॉइंट पे आके अब इस कॉइन का टाइम आ गया है कि ये कॉइन को आगे जाना, और इसकी टीम बहुत कोशिश कर रही है इसको प्रमोट करने की। और आप उनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सही है, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं शिप केक पे, इस पर भी आप इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आप इसमें $10 लगाएंगे तो आपको केक भी मिलेंगे। केक कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ, आप शिप केक की वेबसाइट पे चलेगा, जाने के बाद आपको जाना है माय डैशबोर्ड पे, जबकि इन्होंने अभी रिसेंटली शिप केक स्वैप भी किए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम माय डैशबोर्ड पे जाते हैं। माय डैशबोर्ड पे हम जब एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे हम अपना वॉलेट जिसमें हमने शिप केक होल्ड करें, जो कि 10 लाख से ज़्यादा, मतलब 10 लाख तक होने चाहिए, 10 लाख से ज़्यादा होंगे आप वहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करके इनको दिखा देंगे कि आपके पास 10 लाख शिप केक है, वो आपको जो है यहाँ पे केक देंगे $3, $4, $5, $10 रोज़ के हिसाब से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मुझे टोटल पेड आज के हवाले से इतने मिल चुके हैं, ये मेरी अर्निंग है, ये मेरी होल्डिंग्स हैं। सही है, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट जो कि फ्यूचर में काम आएगा। ये इसके शिप केक स्वैप है, यहाँ पे आप शिप केक ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, स्टेक लगा सकते हैं। फार्म्स भी हैं जिसमें हमें अच्छी APR मिल रही है इस वक्त। तो ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स मैंने ये 3 कॉइन्स आपको रिकमेंड कर दिए हैं, सही है, BNB पे, योशी और शिप केक। इन तीनों कॉइन्स को आप देखिएगा, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप ये कॉइन्स में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, और ये होपफुली अपनी बाइंग प्राइस जो कि इस वक्त बहुत कम है, इससे ऑनवर्ड्स मूव कर जाएंगे। अब बाकी
इट्स ऑल अबाउट लक। और मैंने यूज़ केस भी आपको बता दिया, जो जो आप प्रॉपरली तौर पर गाइड करना था वो मैंने कर दिया, अब डिसीजन आपको लेना है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, पहली बात तो ये, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी एक्सपेंडिचर्स देखते हुए मैंने इनमें इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट लगानी है वो आपकी अपनी राय है। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।